हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। माय नेम इज शरद। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल स्मार्ट शरद टेक। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आईटी सेक्टर को लेकर। हमें जो लिखा है इधर, आईटी शेयर्स में बहुत बड़ी गिरावट आने का चांस है, और वो कौन सी 5 शेयर है जो कि मंडे के लिए गिरावट के लिए तैयार है, तो ये सब यही वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो इसलिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। कौन सी वो 5 शेयर है, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा आईटी सेक्टर है। तो इसलिए मैं बोला है 5 आईटी शेयर्स जो कि मंडे के लिए गिरावट होने का चांसेस है। तो फ्रेंड्स, चलिए डायरेक्टली चलते वो न्यूज़ के ऊपर। मैं आ गया फ्रेंड्स न्यूज़ के ऊपर। न्यूज है अपना बिजनेस स्टैंडर्ड का। आपको मालूम होगा बिजनेस स्टैंडर्ड का ऑथेंटिकेशन न्यूज है वो। तो इसमें मैं लिखा है बोइंग 737 मैक्स क्रैचेस फ्रॉम द TCS इन्फोसिस IT फेम्स रिक्स $1 बिलियन हिट। तो मैं एक बोलना चाहूँगा बोइंग का रिलेटेड, बोइंग के ऊपर कुछ मैं बोलना चाहता हूँ। जैसे कि आप लोग को मालूम होगा कि नहीं होगा, आई एम नॉट श्योर, बट आप लोग को मैं नॉलेज के लिए मैं बोलता हूँ फ्रेंड्स। दुनिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में आप देखोगे जो प्लेन जो बनाते हैं, एरोप्लेन जो बनाते हैं कंपनी, 2 कंपनी है। तो फर्स्ट है अपना वो बोइंग, सेकंड है एयरबस। एयरबस करके एक कंपनी है जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड को देते हैं एरोप्लेन बना के। वो खाली मैन्युफैक्चरिंग करना का, बनाने का काम उनका, बॉडी पार्ट्स, स्पेयर पार्ट, बाकी सब कलर, बाकी सब दूसरे कंपनी करते। लेकिन ये 2 कंपनी में से ये बोइंग जो है, बोइंग कंपनी का बहुत बड़ा इशू आया है। जैसे कि उनका CEO ने अभी रिजाइन दे दिए हैं। उसके बाद ऑल ओवर वर्ल्ड में आप बात करोगे 40% पीपल्स नहीं चाहते बोइंग का एरोप्लेन में जाने के लिए। उनका बोइंग का रिलेटेड कोई भी प्लेन रहेगा तो उस पर वो लोग बुकिंग नहीं करते। क्यों ना, बोइंग रिलेटेड आप लोग को मालूम होगा, आप लोग अगर न्यूज़ पढ़ते हो, सुनते होगे, पढ़ते होगे, तो आपको मालूम रहेगा बोइंग का जो भी प्लेन क्रैशेस होता है उसमें 99% जो प्लेन है बोइंग कंपनी का ही रहता है। इसीलिए काफ़ी सारा उनको घाटा हो रहा है उनका उनका बिजनेस से। इसके रिलेटेड ये है, मैं आपको थोड़ा हिंट्स देना चाहता था। तो उनका जो प्रोडक्शन भी अभी दिसंबर का जो प्रोडक्शन भी बहुत सारे लॉस मैंने कम हो गया है, लॉसेस में गए हैं, CEO भी रिजाइन दे रहे हैं। तो इसके लेकर जैसे बोइंग अभी फुल लॉस में चल रहे हैं। अगर बोइंग अगर लॉस करेगा, अपना जो 5 आईटी सेक्टर 5 शेयर है वो लोग के ऊपर बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है इन शॉर्ट टर्म, बट नॉट ए लॉन्ग टर्म। तो उसके रिलेटेड न्यूज है, थोड़ा आप लोग को मैं अपडेट करना चाहता था, इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। चलिए फ्रेंड, देखते हैं न्यूज क्या है। आईटी आउटसोर्सिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मोर देन 1 बिलियन्स करेंटली एक्सपेक्टेड द इंडियन कंपनीज आर एट रिक्स टर्मिनेशन बिकॉज द बोइंग हैज हॉल्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द फ्लैगशिप बोइंग 737 मैक्स जेट विथ इफेक्ट फ्रॉम द जनवरी। जैसे कि आप लोग को मालूम पड़ा होगा न्यूज में बोल रहे हैं 1 बिलियन तक का उनको लॉस होगा करेंटली, और कंपनी क्या कर रहा है, रिक्स से टर्मिनेट उनका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 1 बिलियन का, ये अभी टर्मिनेट होने का चांसेस है। बोइंग का प्रोडक्शन भी उनका अभी क्या हो रहा है, हॉल्ट हो रहा है, मीन्स आप लोग समझ सकते हो। तो फ्लैगशिप द बोइंग 373 मैक्स जेड विन द इफेक्ट जनवरी से उनका प्रोडक्शन का ऊपर भी प्रॉब्लम इफेक्ट आ रहा है। अकॉर्डिंग टू द सोर्स इन द नोम मेजर आइट फर्म्स सच आर द, जैसे भी आप लोगों को मैंने बोला था कौन कौन मेजर आईटी कंपनी है वो लोग के ऊपर इफेक्ट आएगा अपना इंडियन कंपनी में, वो है फर्स्ट है टाटा कंसल्टेंट सर्विस जो कि TCS और SCL टेक्नोलॉजी और इन्फोसिस साइंट एंड L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज। ये 5 कंपनी का ऊपर, 5 शेयर का ऊपर मोस्टली प्रभाव रहेगा, क्योंकि ये लोग उनका ये बोइंग का रिलेटेड में ये सर्विस लेते हैं और देते भी है। तो
supply or ecosystem which is companies, engine manufacturing, body supplier and providing Boeing flyers to the top 10 list many Indian service provider. तो ये एक न्यूज़ था, जैसे कि आप लोग को मालूम हो गया होगा जे ये एक जो बोइंग रिलेटेड है, इनको $1 बिलियन का जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट होने का चांस है। बोइंग का प्रोडक्शन का ऊपर हैम्पर आ रहा है और बोइंग जनवरी से ये सब बंद करने का चल रहा है। जैसे कि आप लोग को मैंने बोला जो उनका CEO भी रिजाइन दे रहे हैं और इनका जो 40% पीपल्स भी बोइंग का प्लेन में जाने के लिए भी डर रहे हैं। तो ये एक न्यूज़ था। सेकेंड एक न्यूज़ आप लोग के पास लेकर आता हूँ, वो भी आपको सामने रखना चाहता हूँ। ये मनी कंट्रोल का न्यूज है, उसमें भी सेम टू सेम बोल रहे हैं। मनी कंट्रोल वेबसाइट के ऊपर मैंने आया है ये मनी कंट्रोल न्यूज, जैसे कि आप लोग को इधर शो कर दिया हूँ मैंने। और देखिए इधर से भी क्लियर लिखा है कौन सा कंपनी को आ रहा है प्रॉब्लम, TCS, इन्फोसिस, SCL टेक्नोलॉजी, इन्फोसिस एंड और बोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट वर्थ 1 बिलियन टर्मिनेट रिपोर्ट। ओके, तो इधर देखेंगे मेजर IT कंपनी से इंडियन हैज द डायरेक्ट एक्सपोजर बोइंग और इट इज सप्लाई द इकोसिस्टम भाया आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट द बिजनेस स्टैंडर्ड रिपोर्ट। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था बिजनेस स्टैंडर्ड का रिपोर्ट में मैं आपको बताया कॉन्ट्रैक्ट वुड बी $1 बिलियन आर नाउ इज रिक्स टर्मिनेशन। तो ये टर्मिनेट हो सकता है टाटा कंसल्टेंस कंपनी, SCL टेक्नोलॉजी और साइलेंट और L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, ये 5 कंपनी मंडे के लिए शायद गिरने का चांसेस हो सकता है ये न्यूज़ के चलते हुए। तो इसीलिए आप लोग थोड़ा सतर्क हो जाइए। तो अगर आप लोग अगर शॉर्ट पोजीशन लेके रखे तो कुछ इशू नहीं, अगर लॉन्ग पोजीशन लेके रखे तो आप वो हिसाब से आपका अकॉर्डिंग टू प्लान कर लीजिएगा। अगर आप लोग इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करके रखे है 5 कंपनी में तो मैं बोलूँगा ऐसा कुछ इशू नहीं है, ये शॉर्ट टर्म का है, ऐसा कुछ बड़ी इशू नहीं है। शॉर्ट टर्म के बाद ये फिर कंपनी अच्छा है और ये टॉप 5 है अपना IT सेक्टर का टॉप कंपनी है, तो इसके ऊपर आप बिंदास रहिए। अगर नीचे आ रहा है तो थोड़ा थोड़ा माल आप लॉन्ग टर्म का अगर व्यू है आप लोग का तो आप माल उठाते जाइएगा, कुछ इशू नहीं है। ये शॉर्ट टर्म का है, ऐसा कुछ नहीं जो लॉन्ग टर्म तक चलेगा। जैसे कि इधर देखिए, इधर ये क्या कौन बोल रहे हैं, द कंपनीज आर गोइंग टू अफेक्टेड इन द शॉर्ट टर्म शॉर्ट रन। हाँ देखिए फ्रेंड्स, बोइंग हैपेंस टू द वन ऑफ द टॉप 10 इंडियन सर्विस प्रोवाइडर सर्स टोल टेल न्यूज़पेपर, बट इज द लार्जर इशू इफ यू बोइंग इन हिट ओवरऑल स्पेंडिंग इन द एरोस्पेस सेगमेंट विल द सम ऑफ कम डाउन द रिपोर्ट कोट द पैरिक जेन। मिस्टर जेन ने क्या बोल रहे हैं, IT आउटसोर्सिंग एडवाइजर जो मिस्टर जेन ने ये बोले जे ये शॉर्ट रन के लिए है, ऐसा कुछ बड़ी इशू नहीं है। अगर आप लोग ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हो जैसे कि TCS, इन्फोसिस, SCL टेक्नोलॉजी, ओके और L&T जैसे कंपनी का ऊपर आप लोग बैठे हैं तो कुछ इशू नहीं है। तो इसीलिए मैं आप लोग को बोलना चाहूँगा आप ऐसा कुछ टेंशन लेके शेयर मत सेल के लिए बट बैठिए मत। ये एक था न्यूज़ जैसे कि आप लोग के सामने मैं लेके आना चाहता था, इसलिए आप लोग से अपडेट किया। मंडे के लिए आप थोड़ा तैयार हो जाइए, और ऐसा कुछ और कुछ न्यूज आएगा तो मैं आप लोग को मैं हमेशा बताऊँगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।